नमस्कार 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के एवं पाठक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा भालोबासा खूब भालो थाकुन स्टे ट्यून्ड ऑल द बेस्ट 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शकों के जाना आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। हाल ही में चित्तरंजन एवेन्यू स्थित बीमा लोकपाल कार्यालय में बीमा लोकपाल दिवस का आयोजन हुआ। इस मौके पर बीमा लोकपाल किरण सहदेव, डिप्टी सेक्रेटरी एम शाह और सेक्रेटरी विनीता दे मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं मौके पर बातचीत करते हुए बीमा लोकपाल किरण सहदेव ने क्या कहा। बीमा लोकपाल दिवसे सबाई के स्वागत जनाई, आशा करी सकले भालो आछे। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, माय फ्रेंड्स फ्रॉम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बीमा लोकपाल डे सेलिब्रेशन, आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रेंड्स, मेनी ऑफ यू वर देयर लास्ट टाइम ऑल्सो लास्ट ईयर। एक्चुअली द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th नवंबर, बट बिकॉज दैट बीइंग अ फेस्टिवल डे, वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे हियर। On this occasion, I acknowledge the immense contributions of my predecessors in making this institution an ideal forum for insurance-related grievance redressal. I had joined this center last year on 6th October, and now I'm completed 1 year here. And now, for the remaining 2 years of my tenure, I'm committed to uphold this legacy for the next remaining period of my tenure. Friends, I would like to tell you once again that this institution of insurance ombudsman was created by the Government of India by notification issued on 11th November 1998, and the purpose was quick disposal of the grievances of the insured customers and to mitigate their problems. The institution, we feel, is of great importance and relevance for the protection of interests of policyholders and in building their confidence in the system. The institution has helped to generate and sustain faith and confidence amongst the consumers and insurers. जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि IRDAI हमारा जो regulator है, उनका एक dream है, that is insurance for all by 2047. जो इंडिया का भी 1947 के बाद इतना साल हो जाएगा, हम चाहते हैं कि तब तक सबके घर में कोई ना कोई इंश्योरेंस हो, चाहे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो वो सब करने के लिए बहुत जरूरी है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अच्छा हो, लोगों को कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस तभी होगा कि अगर उनकी कंप्लेंट का अच्छा रिड्रेसल मिलेगा, उनको अच्छा उसका समाधान मिलेगा। तो ये जो ऑफिस है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन का, इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म व्हिच हैज बीन सेट अप विद एन एम टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस ऑफ अ ग्रीव पॉलिसी होल्डर। ये जो पॉलिसी होल्डर्स है, पर्सनल लाइंस ऑफ इंश्योरेंस के हो सकते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज के हो सकते हैं, पॉलिसीज इशू टू सोल प्रोप्राइटरशिप और माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट हो सकता है, और आप एजेंट्स और इंटरमीडियरीज को भी ले लिया गया है। उनके लिए भी कोई शिकायत हो तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, स्पीडी एंड इम्पार्शियल। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है, कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। आई थिंक आप वहाँ पे आपका भी दिख रहा है, फर्स्ट टाइम हमने बताया है, वी डू नॉट चार्ज एनी फीस। आरटीआई में भी आप देखेंगे फ्रेंड्स, वहाँ भी कुछ चाहे छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं देना। हमारे पास वो लोग आ सकते हैं बिना कोई पैसा दिए, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फीस तो देनी पड़ेगी ना, तो चाहे लॉयर को भी फीस देना पड़ेगा, घर का लॉयर नहीं है, वो सब कुछ उनका पैसा बचेगा। और स्पीडी का ये है कि हम 30 डेज के अंदर उनको जवाब देते हैं, ये हमारा एम है। और लास्ट ईयर हमने 98% केसेस, इस साल हमने 98% केसेस विद इन टू मंथ्स किए हैं। मैक्सिमम 30 डेज में हुए हैं, तो थोड़े से स्पिल ओवर हो जाते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह हो सकते हैं उसमें। जो हमारा इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन की पावर्स है, उसमें हम कंप्लेंट्स रिसीव करेंगे एलिजिंग डेफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड ऑफ एन इंश्योरर। और जैसे मैंने पहले बोला, उसमें एजेंट्स भी हैं, इंटरमीडियरीज भी हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी हैं, और जिसमें 9 ग्राउंड्स हैं जिसके लिए वो लोग हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, रेप्यूटेशन, डिस्प्यूट ओवर प्रीमियम पे, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, या कोई भी पॉलिसी सर्विसिंग से रिलेटेड ग्रीवेंस हो, इश्यूएंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज नॉट इन कंफॉर्मिटी विद द प्रपोजल फॉर्म, या फिर कोई भी नॉन इश्यूएंस ऑफ पॉलिसी बॉन्ड ही नहीं मिला किसी को, या फिर कोई भी मैटर हो विच इज अराइजिंग आउट ऑफ वायलेशन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो कंसीलिएशन या मीडिएशन, दोनों को पार्टीज को साथ में बिठा के एक उनको समझौता कर लें।
तो जैसा कि हम आर्बिट्रेशन से भी समझते हैं। दूसरा अवार्ड मेकिंग है, अगर मान लो नहीं होता समझौता तो ओम्बुड्समैन एक अवार्ड पास कर देता है, लेकिन जो अवार्ड है इट शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द कंप्लेनेंट एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। और जो अवार्ड की लिमिट है अभी तक 30 लाख थी, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू फ्रेंड्स कि नाउ इट हैज बिकम 50 लाख। अभी 9 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 50 लाख कर दी है। एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑनर द अवार्ड्स पास बाय एन इंश्योरेंस ऑफिसर विद इन 30 डेज। 30 डेज में उनको ऑनर करना है। सो फ्रेंड्स, 17 ओम्बुड्समैन सेंटर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें कोलकाता का जो सेंटर है ये वाला, ये सन 2000 में ऑपरेशन हुआ। उस समय वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स इसके अंडर थे। अभी यहाँ से कार्व आउट होकर पटना बन गया 2015-16 में, तो फिर बिहार और झारखंड उनके यहाँ है, 3 जगह हमारे यहाँ है। वी आर टेकिंग केयर ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स। लेकिन ओनली थिंग इज, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी एक बात जो हमको थोड़ी ठीक नहीं लगती, कि हमें मोस्टली केसेस जो आते हैं, कंप्लेंट्स आते हैं, वो सब कलकत्ता मेट्रो से ही आते हैं, दूर दराज की जगह से या ऑफिसल एरिया से कम आते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ाएं। लास्ट टाइम हमें बहुत अच्छा आपके यहाँ से रिस्पॉन्स मिला था, फीडबैक मिला था, बहुत कवरेज हुआ था, उस कारण से हमारे केसेस भी बढ़ गए, जो हमारे लिए खुशी की बात है। तो मैं चाहूंगी और भी हमारे अच्छे कोई मे बी कोई हाईलाइट्स दीजिए, कुछ अच्छे बोल्ड लेटर्स में हमारे बारे में लिखिए और समय समय पर लिखते रहिए। कभी भी आप हमारे ऑफिस में आके हमें अप्रोच कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी मैं एक बहुत अच्छी खबर जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड एट कोलकाता सेंटर कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट। और इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, आवर सेंटर वॉज एट द फोर फ्रंट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, टॉपिंग द लिस्ट। ऑल इंडिया में नंबर वन सेंटर था ये, जो 17 सेंटर है उसमें ऑल इंडिया में नंबर वन सेंटर था बाय सेटलिंग 3027 कंप्लेंट्स। ये हाईएस्ट नंबर रहा है जो कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कोलकाता सेंटर ये हम अचीवमेंट कर पाए। एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हमने वो की कि 31 मार्च को वी हैड नील आउटस्टैंडिंग, सभी कंप्लेंट्स हमने डिस्पोज ऑफ कर दी थी। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोरोना के दिनों में हमने ऑनलाइन हियरिंग का प्रोसेस चालू किया था, जिसमें कंप्लेनेंट कैन बी सिटिंग एट होम एंड वो अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन एक्सेस करके। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम सेविंग भी है और कोरोना टाइम्स में बहुत अच्छा था। तो अभी भी हम वो फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग विद टाइम्स। जो आईटी में जो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हम चाह रहे हैं अभी ऑल्सो कीप पेस विद दैट। तो वो तो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा ऑफलाइन भी चल रहा है। सो ऑल इन ऑल वी आर फॉलोइंग अ हाइब्रिड सिस्टम, सो बोथ द सिस्टम्स आर ऑपरेशनल विद अस। और एक नया बात हमने शुरू किया कि जो भी सिग्नेचर जाते हैं, साइंड अवार्ड जाते हैं, वो डिजिटली साइंड होते हैं। और अभी 20 नवंबर से ही हमने ऑटो मेल भेजना शुरू किया। अभी तक हम अवार्ड्स फिजिकली भेजते थे, तो उसमें टाइम भी लगता था कुछ, बिकॉज फिजिकली भेजेंगे तो कुछ कॉस्ट भी होगी उसमें, थोड़ा लोगों को मिलने में टाइम मिलेगा। अभी हम ऑटो मेल भेज देते हैं, जहाँ जहाँ ईमेल आईडी है हमारे पास, इंश्योरर को और कंप्लेनेंट को एट द सेम टाइम उसी समय मिल जाएगा। तो रियल टाइम में उनको अवार्ड की कॉपी भी मिल जाएगी। मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर हमारे पास 3027 केसेस हमने सेटल किए, इस साल हमारे पास 2339 केसेस आ गए हैं। इसमें 1152 लाइफ की हैं और 1187 हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस से लिमिटेड से कनेक्टेड है। और ये लास्ट ईयर का जो फिगर था, अक्टूबर तक लास्ट ईयर 1546 केसेस आए थे, 1500 केस के करीब। अभी 2339 आ गए हैं, which is variation of almost 51%. तो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे पास, जो हमारे लिए खुशी का मौका है, हमारे लिए अच्छा है जो केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात बताना चाहूंगी, एक हमारे यहाँ सिस्टम मैंने बताया, ओम्बुड्समैन कैन मीडिएट, एक समझौता करा सकता है दो पार्टीज का। तो अभी तक हम मीडिएशन के लिए केसेस कर रहे थे, क्योंकि वो इसमें एक अच्छी फीलिंग होती है, कंपनी एज वेल एज कंप्लेनेंट को एक विन विन जैसी सिचुएशन वाली फीलिंग आती है। तो लास्ट ईयर हमारे 22% केसेस मीडिएशन में गए, और इस साल अभी तक, अक्टूबर तक के फिगर्स बता रही हूँ मैं, अभी 5 महीने का अभी पड़ा है हमारा, अक्टूबर तक 48.15% केसेस, ऑलमोस्ट 48% केसेस मीडिएशन में गए हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है और हमारे हायर ऑफिसर्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है। और ड्यूरेशन वाइज सेटलमेंट मैंने पहले ही बताया कि 2 महीने तक अंदर 98% केसेस हमारे सेटल हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार।
एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स रिश्ता भरोसे का 24/7 ताजा समाचार सकल दर्शक देर के आमार पक्ष থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা Exclusive jewelry collection DTC London द्वारा best showroom award winner RR Agarwal Jewelers कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR Agarwal Jewelers रिश्ता भरोसे का